बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपके क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्या को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने का प्रयास करता है, और आज उसी प्रयास के चलते आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झंडूता उपमंडल के तहत कोसरिया पंचायत के बछरेटू गांव में, जिस गांव के लोग जो हैं वो पानी की समस्या से जो है बहुत दुखी हैं। इस गांव को जो वो इतना बेकार पानी पीने के लिए मिल रहा है कि इस पानी का प्रयोग तो लोग अपने पशुओं के लिए भी नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको इस तरफ दिखाएंगे थोड़ा दृश्य। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पानी जो है वो नाले से होता हुआ, इन झाड़ियों से होता हुआ इस टैंक में जा रहा है। यहाँ पर जो वो आईपीएच विभाग के द्वारा जो वो इस टैंक का निर्माण किया गया है, और इस टैंक में आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर जो वो पड़ी हुई है। ये लोग जो वो कितना गंदा पानी पीने के लिए जो वो मजबूर हैं। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता को लेकर ड्रीम है, उस ड्रीम की भी यहाँ पर जो वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हों, MLA हों, कोई भी हो, सिर्फ उन्हें वोटों तक ही लोगों तक वो सीमित हैं। जब वोटें डल जाती हैं उसके बाद लोगों की कोई सुध नहीं लेता है। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी समस्या यहाँ पर बताना चाहते हैं, आइए हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी सर, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है सर? कमल नाम है जी। कमल जी, क्या परेशानी हो रही है आपको, किस तरह ये? सर, काफ़ी टाइम से यहाँ पे सर हमें यहाँ पे जो गंदा पानी यहाँ से मिल रहा है, हमने विभाग में भी कई बार हमने बात की तो उन्होंने सर इसमें कोई एक्शन लिया ना, तो इसमें दवाई पड़ती है, ये सारा नाले का पानी है और पीने के लिए पानी है और सारा गंदा पानी होता है। कभी भी यहाँ पे जो सिंचाई के इस वाटर सप्लाई का कोई भी बंदा यहाँ पे मतलब नहीं आता है, ना तो इसमें दवाई डालते हैं, और सारा गंदा जो ये ऊपर से शिप बॉडी से जो गंदा पानी बॉडी का पानी आ रहा है वो सारा इसमें ही आ रहा है। तो इसको लेकर आपने कभी, कमल जी, इसको लेकर आपने आईपीएच विभाग के जेई कंसर्न किसी से विभाग से बात की है? इसको लेकर पहले भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब भी की थी हमने जेई से कार्रवाई तो कुछ नहीं किया उन्होंने भी। अच्छा। तो यहाँ पे हमने जब कॉल करनी है तो उन्होंने कट कर देना फ़ोन, उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल देना उन्होंने फ़ोन। तो है ना, पीने के लिए जो बीमारी, पता नहीं कितने हमारे घर के अपने घर के बंदे बीमार हो रहे हैं इस पानी से, और गांव के भी बंदे बीमार हो रहे हैं, ये परेशानी है। कोरोना महामारी तो बाद की बात है, पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह गंदा पानी पीने से लोगों को किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। क्यों विभाग जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है? एक तरफ तो सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि लोगों की सुविधाओं को लेकर दावे करती हैं, किंतु वो सभी दावे जो हैं वो झूठे साबित सिद्ध होते हैं। हमारे बीच में एक व्यक्ति और भी हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, ले हम उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, कुलदीप सिंह जी। अभी ये जो स्कीम है 85 और 90 के बीच में चलाई गई थी। अच्छा जी। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ना कोई वाटर गार्ड परमानेंट है जी, ना इसमें कोई दवाई की सुविधा है इसमें जो भी इसका सही रूप से देख रेख किया जाए। अब किसी को फ़ोन भी करें, पूछें भी कौन है यहाँ ड्यूटी, मेरी ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी किसकी है तो बताए विभाग कौन है यहाँ। अच्छा जी। सर, हमें यहाँ से ना जो पानी के लिए मिलता है जी, उसे उसको अगर हम जेई जैसे किसी को कॉल करें तो हमारे कॉल को वो कट कर देते हैं और ब्लैक लिस्ट में नंबर को डाल देते हैं, और यहाँ पे जो पानी वाला लगाया गया है उसको 1 साल हो गया देखे हुए जी। अगर वहाँ पे कंप्लेंट करें तो बोलते भेज दिया गया, वो किसी भी काम के नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते, आके यहाँ पे अखबारें पढ़ते हैं बछरेटू में आके और काम कुछ नहीं करते हैं। इसको लेकर आपने कभी अपने प्रधान, उप प्रधान, बाढ़ पंच को कभी अवगत करवाया आपने इसको लेकर? इस बारे में सभी को बताया और सभी को बताया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? हमें या तो यहाँ से बदलकर ऊपर जो बॉडी है वहाँ से हमें पानी दिया जाए, साफ पानी दिया जाए, जबकि बिल्कुल ही गंदा पानी है ये, आपने देखा ही है। बाकी किसी गांव वाले से पूछ लीजिए आपको कि यहाँ अभी तक आपने क्या कोई बाढ़ का देखा आपने कहीं? 1 साल तक उसे देखा ही नहीं है। हम भी ऊपर से लगभग कोई 1 किलोमीटर जो होगा यहाँ पर चलकर आए हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह शिप बॉडी ऊपर से ये पानी आ रहा है और इस टैंक में जा रहा है, और इस टैंक की आपने स्थिति तो देखी ही है।
हम आपको वीडियो के माध्यम से कुछ और तस्वीरें ऊपर की दिखाएंगे कि कहां से इन लोगों को ये पानी पीने के लिए आ रहा है और ये इतना गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। जब वार्ड पंच प्रधान उप प्रधान लोगों ने तब चुने होते हैं कि उनकी सुविधाओं को लेकर वो कार्य करेंगे, किंतु कोई भी इसके ऊपर अमल नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो मुख्यमंत्री जयराम जी तक पहुंच सकें, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि जिन सुविधाओं की आप बात करते हैं वो सभी सुविधाएं जो वो धरातल पर आकर बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध हो रही हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह देते रहें। थैंक यू।